बच्चों आज मैं आपको हिंदी गरिमा में अध्याय 3 चुटकी चिड़िया के बारे में बताऊंगी। एक छोटी सी चिड़िया मेहनत करके आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। तो आओ शुरू करें। तो बच्चों देखो शुरू करते हैं चुटकी चिड़िया। एक छोटी सी चिड़िया मेहनत करके आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। तो देखो एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। चुटकी ने सोचा मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। जो चुटकी चिड़िया थी वो उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। जब उसने देखा कि इस पेड़ पर तो कई पक्षियों के घोंसले हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए। बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना दिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह दाने की खोज में जाती, शाम को घोंसले में आकर आराम करती। बच्चों जब उसने सोचा कि बरगद के पेड़ पर मैं अपना घोंसला बनाऊंगी और उसमें रहूंगी, तो उसने अपनी छोटी सी चोंच से घास फूस और तिनके इकट्ठे किए और उसने उनको इकट्ठा कर अपना रहने के लिए घोंसला बना लिया। वह सुबह सुबह दाने की खोज में जाती और शाम को अपने घोंसले में आकर बैठ जाती, रहने लग जाती। एक नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। नटखट मतलब शरारती। बंदर पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता। पेड़ की जो शाखा होती है बेटा उसको डाली कहते हैं। मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। चुटकी उसे देखती रहती। एक दिन तेज हवा चली, आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदे टप टप गिरने लगी। मतलब एक दिन तेज हवा चली और जो आसमान में बादल थे वो काले हो गए। बारिश का जो पानी था वो टप टप गिरने लगा। सारे पक्षी अपने घोंसलों में दुबककर बैठ गए, छिपकर बैठ गए। फिर जो चुटकी चिड़िया थी वो भी अपने घोंसले में बैठकर बारिश का, वर्षा का आनंद ले रही थी, उसका मजा ले रही थी। अब आगे देखिए। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ से बारिश से बचने की कोशिश की। पत्तों की आड़ बेटे जो पेड़ पे पत्ते थे ना, घने पत्ते लग रहे थे ज्यादा, उसके पीछे छुप रहा था वो। वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। किटकिटाने का मतलब जो दांत ऊपर और नीचे के उसके आपस में आवाज करने लगे, उसको किटकिटाना कहते हैं। और वो दांत कब किटकिटाते हैं बेटा? जब वो ठंड लगती है। तो बंदर को बारिश में भीगने के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे, उसको ठंड लग रही थी। बंदर की यह हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, बंदर भाई सब अपने अपने घर में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, प्यारे दोस्त अपना घर बना लोगे तो सर्दी गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। बंदर बोला, मुझे घर बनाना नहीं आता, यह तो बहुत मेहनत का काम है। इस पर चुटकी चिड़िया बोलती है, चुटकी चिड़िया बोली, चुटकी बेटा चिड़िया का नाम है, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच से ही तिनके जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर हैं, तुम मेहनत से क्यों घबराते हो? बंदर ने उत्तर दिया, चुटकी बहन एक जगह टिककर रहना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो जहाँ रह लूं वही मेरा घर है। क्योंकि बंदर कभी एक पेड़ पे, कभी दूसरे पेड़ पे, कभी कहीं, तो बेटे वो इसीलिए उस चिड़िया को कह रहा था कि मैं तो जहाँ चाहूं वहीं रह सकता हूँ। वर्षा थम गई, बारिश रुक गई। चिड़िया ची 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 करती दाने की खोज में उड़ गई। बंदर को भूख लगी थी, वह उछल कूद मचाता जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा। शब्द अर्थ, खोज ढूंढना तलाश, नटखट शरारती, घटा बादल, दुबककर छिपकर, आनंद मजा, मनुष्य मानव आदमी, स्वभाव आदत, थम गई
रुक गई। मुहावरा, दांत किटकिटाना। ठंड लगने पर दांतों से होने वाली आवाज। बच्चों, मैंने आपको कहानी पढ़ाते वक्त भी बताया था, जब ठंड लगती है हम कांपने लगते हैं और हमारे कांपने के साथ साथ जो दांत किटकिटाते हैं, आवाज करते हैं, उसको दांत किटकिटाना कहते हैं। श्रुतलेख डिक्टेशन, शब्दार्थ के बाद आप एक पेज भी साफ साफ यही भी लिखेंगे बोल बोलकर। मजबूत, घोंसला, वर्षा, आनंद, कोशिश, मनुष्य। आइए बच्चों, बरगद के पेड़ पर आकर चुटकी चिड़िया ने क्या सोचा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बरगद के पेड़ पर आकर चुटकी चिड़िया ने सोचा, कई पक्षियों के घोंसले थे, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। अगला क्वेश्चन, बंदर अपना घर क्यों नहीं बनाता था। बंदर अपना घर इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि वह कहता था, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर देखिए, चिड़िया ने अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाया। चिड़िया ने अपना घोंसला घास फूस और तिनकों से बनाया। नटखट बंदर क्या करता था। नटखट बंदर पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता था, मीठे मीठे फल तोड़कर खाता था। तेज बारिश से बंदर का क्या हाल हुआ। तेज बारिश से बंदर पूरा भीग गया और ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे, आवाज करने लगे। चिड़िया ने बंदर को घर बनाने की सलाह क्यों दी। चिड़िया ने बंदर को घर बनाने की सलाह दी थी कि अपना घर बना लोगे तो सर्दी गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। बंदर कैसा था, दुखी, शांत, नटखट। नटखट शांत, तो बच्चों नटखट था शरारती, आप इस पर टिक लगाएंगे सही का। चिड़िया रोज सुबह कहाँ जाती थी, घूमने, दाना खोजने या बंदर से मिलने। चिड़िया रोज सुबह दाना खोजने जाती थी। बारिश से बचने के लिए बंदर कहाँ छिप रहा था। बारिश से बचने के लिए बंदर पत्तों की आड़ में छिप रहा था, ना तो वो छत के नीचे छिपता था ना वो गुफा के अंदर, वो पत्तों की आड़ में छिपता था। तो आप इस पर लगाएंगे सही करते। आगे देखिए, चित्र देखो और बच्चों ये जो है स्माइल फेस बनाकर बताओ कौन कौन मेहनत कर रहा है। फर्स्ट पे देखिए, फार्मर किसान मेहनत कर रहा है, तो ये देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है इस बॉक्स में। चिड़िया एक एक तिनका लाकर घोंसला घास फूस इकट्ठा कर अपना घोंसला बना रही है, हार्ड वर्किंग मेहनत कर रही है। तो आप इस बॉक्स में इस प्रकार का फेस बना देंगे। बच्चा सो रहा है या लड़का सो रहा है तो ये मेहनत का काम नहीं है, तो यहाँ आप ये इस प्रकार का चित्र नहीं बनाएंगे। बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा मेहनत कर रहा है, तो आप इस प्रकार का चित्र यहाँ इस बॉक्स में बनाएंगे। बंदर शाखा पर बैठा है या डाल पर, तो ये मेहनत नहीं कर रहा है। लड़का पौधा लगा रहा है, तो देखिए बच्चा पौधा लगा रहा है तो ये मेहनत कर रहा है ना, तो आप इस पे इस प्रकार का चित्र बनाएंगे। आगे देखिए, पढ़ो समझो और लिखो। ट जमा ठ टट इकट्ठा। बच्चों ये बाद में जो शब्द आया है टट, इसको इस प्रकार के शब्द बनाने हैं। इकट्ठा, चिट्ठी, मुट्ठी, देखिए बाद में ट और ठ आ गया। अगला, प जमा ये प्य, प्यारा, प्यासा, प्याला। त जमा त तत, पत्ता, गत्ता, सत्ता। आइए उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाएं। ऊपर का बच्चों उल्टे अर्थ शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ऊपर का नीचे, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, पूरा आधा।
आइए अगला देखे। पढ़ो और समझो बच्चों, ये एकवचन और बहुवचन है। चिड़िया एक चिड़िया, चिड़िया बहुत सारी चिड़िया, चुहिया चुहिया, गुड़िया गुड़िया, अंबिया अंबिया। चित्रों के नाम बोलो अड़े और ढह से मिलाओ। तो बच्चों यहाँ अड़े और ढह से मिलाना है, जिस प्रकार बढ़ई बढ़ई बढ़ई, रह बढ़ रबड़, पेड़ है पेड़, कैड़ है एकड़े, जड़ है जड़, कैढ़ाई कढ़ाई, सीढ़ी जेरी सीढ़ी। तो बच्चों आप इस प्रकार के इस यहां से ऐसे मैच करेंगे। शब्दों में ई या ई की मात्रा छोटी और बड़ी की मात्रा लगाओ और पढ़ो। ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा ये और बड़ी की मात्रा ये। तो आइए, पे ने ने पे बड़ी की मात्रा रे पनीर, चे चे पे छोटी की मात्रा, डे डे पे छोटी ई की मात्रा या चिड़िया, मैं छे ले ले पे बड़ी की मात्रा मछली, ते ते पे छोटी ई की मात्रा तैतित, ले ले पे बड़ी की मात्रा तितली, ते ते पे छोटी ई की मात्रा ती, ने के आ तिनका। ये सभी किसी न किसी के नाम हैं, सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों आप इस कहानी को पढ़ेंगे और इसकी अभ्यास पुस्तिका को अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद भी करेंगे।